तो देखिए, जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने गिरफ्तारी का मामला रखा है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार होने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कपिल सिब्बल की तरफ से यह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। तो मामला चूंकि ईडी की गिरफ्तारी का है, इस मामले में राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और आज कपिल सिब्बल की तरफ से इस मामले को सामने रखा गया था, साथ ही रांची की पीएमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी धीरज ठाकुर भी। सबसे पहले अरविंद, मैं आपका रुख कर रहा हूं किन दलीलों के साथ में कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने यह मामला रखा था और इस मामले पर सुनवाई कल? देखिए प्रणय, आज कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा था और उनका ये कहना था कि ईडी की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो राजनीति से प्रेरित है और अगर इस तरीके से गिरफ्तारी होती है एक जांच एजेंसी के द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग करके तो इसका राजनीति पर गलत असर पड़ेगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई का भरोसा दिया है। हालांकि ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट में भी इनकी एक याचिका पेंडिंग है, ऐसे में हाईकोर्ट को ही सुनने देना चाहिए इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की जरूरत है नहीं। लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हम उसको वापस ले रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई का भरोसा दिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताऊं प्रणय, कि आमतौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में यह परंपरा है कि अगर किसी केस को तुरंत सुनवाई की जरूरत महसूस होती है किसी पक्ष को तो वो पहले रजिस्ट्रार के सामने मामले को रखता है, रजिस्ट्रार मेंशनिंग लिस्ट में उसे शुमार करते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस कोई तारीख देते हैं। लेकिन आज चूंकि चीफ जस्टिस 7 जजों की बेंच के सामने बैठ रहे थे तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की मेंशनिंग को सुनने के लिए चीफ जस्टिस ने एक स्पेशल 3 जजों की बेंच का गठन किया। उसके बाद बिना रजिस्ट्री के सामने यह मामला सीधे चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया गया और चीफ जस्टिस ने कल की सुनवाई का भरोसा दिया है। यानी चीफ जस्टिस इस बात को समझ रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला है जो कि एक मुख्यमंत्री की इस घटनाक्रम को और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता उसकी अर्जेंसी को समझते हुए चीफ जस्टिस ने इस मामले पर कल सुनवाई करने का वक्त भी दे दिया। लेकिन रांची पीएमएलए कोर्ट से बाहर के बाहर मेरे सहयोगी धीरज ठाकुर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, जरा यह बताइएगा कि ईडी की गिरफ्तारी तो कल रात को हो गई, क्या पीएमएलए कोर्ट के सामने हेमंत सोरेन की पेशी हो चुकी है? क्या उनकी रिमांड को लेकर कुछ तथ्य सामने आए हैं अभी तक, क्या जानकारी? देखिए, 1.5 से 2 के बीच में इनकी पेशी यहाँ लाए जाने की संभावना है। मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पूरे व्यवस्था कर लिए गए हैं, घेरा, सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और रूट प्लान जो ईडी ऑफिस से या पीएमएलए कोर्ट तक लाना है वो रूट चार्ट प्लान कर लिया गया है, ट्रैफिक को अलर्ट कर दिया गया है और उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ। जरा ये भी बताइएगा कि आज कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की बहन जो है वो मिलने के लिए पहुंचे थे, हेमंत सोरेन से कितनी देर की ये मुलाकात रही और क्या ईडी ने जिस तरीके से इजाजत दी परिवार के लोगों को मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, अंजलि मुर्मू जो उड़ीसा में रहती है वो यहाँ पर आ चुकी थी और कल्पना सोरेन पत्नी हेमंत सोरेन की दोनों साथ में गए थे ईडी ऑफिस हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। उनको मिलने दिया गया, कहा ये भी जा रहा है कि नाश्ता लेकर गई थी ये लोग और बातचीत हुई है, उसके बाद वहाँ से वो लोग वापस लौट गए हैं और आज की जो कार्रवाई है उस पर सबकी नज़र है। तो अब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई, ट्रैफिक अलर्ट है, 1.5 से 2 के बीच में यहाँ लाए जाने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी के तरफ से रिमांड की डिमांड की जाएगी तो आगे कोर्ट क्या इस बारे में डिमांड की जाएगी। धीरे जरा ये भी बताइएगा कि क्या आपको कोई जानकारी मिल पाई है ईडी की तरफ से कितनी रिमांड की का आग्रह जो है पीएमएलए कोर्ट के सामने रखा जाएगा हेमंत सोरेन के लेकर? ये खबर आई है कि हो सकता है कि 10 दिनों के का जो है वो रिमांड ईडी के तरफ से मांगा जाए, लेकिन एक सी पुख्ता जानकारी तब पता चल पाएगी जब ये ईडी कितने दिनों के रिमांड मांगते हैं, कोर्ट में कब ला करके उनके सामने क्या रिमांड कितने दिनों की मांगती। लेकिन जो ये खबर है उसके मुताबिक 10 दिनों की डिमांड रखी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है जी।
बिल्कुल धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ में, अरविंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए कि राहत की, तो किन दलीलों के साथ में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा है और अदालत से क्या राहत लेने की कोशिश होगी, क्योंकि फिलहाल तो पीएमएलए कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, वहां ईडी उनकी रिमांड लेना चाहेगी, पूछताछ करना चाहेगी और गिरफ्तारी उनकी हो ही चुकी है। देखिए बिल्कुल, हेमंत सोरेन के पास दो राहत के विकल्प हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को ही उन्होंने चुनौती दी है और कहा है कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, और दूसरा उनके पास एक विकल्प बचता है कि वो निचली अदालत में जमानत के लिए रुख कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी वो दाखिल नहीं कर सकते। एक और अहम बात यह है प्रणय कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है, यानी सामान्य केस में जो जमानत मिलती है उससे ज़्यादा मुश्किल होती है पीएमएलए के केस में, और ऐसे में अगर हेमंत सोरेन निचली अदालत में जमानत का रुख करते भी हैं तो इन दोहरी शर्तों के तहत अगर कोर्ट को जमानत देनी होती है तो उससे पहले इस बात के लिए कन्विंस होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध किया नहीं है और भविष्य में दूसरी अपराध इस तरह के किए जाने की संभावना है नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि जब निचली अदालत में वो जमानत का रुख करेंगे तो कोर्ट को एक मिनी ट्रायल की तरह पहले कन्विंस होना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ने वो अपराध किया नहीं है, तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है पीएमएलए के तहत। जाहिर तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं हेमंत सोरेन के सामने, जहां एक तरफ ईडी की जांच चल रही है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सियासी संकट इस समय रांची में देखने को मिल रहा है। वह संकट इस लिहाज से है क्योंकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। हालांकि उनका कहना है कि उनके पास 47 विधायकों का नंबर है, उनके पास समर्थन है और वो दावा भी पेश कर चुके हैं राज्यपाल के साथ। क्या कुछ चंपई सोरेन का कहना है इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज जो कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। आपने कहा कि आपके पास बहुमत है, क्या राज्यपाल से टाइम मिला है सिद्ध करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए? अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? हमारा एक पास 47 है। तो 81 सदस्यों की विधानसभा है झारखंड की, जहां पर 47 सदस्यों के समर्थन का दावा चंपई सोरेन कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा का गणित भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस समय जो सांसद बनी हुई है, जिस तरीके का संकट फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप हेमंत सोरेन को देखें तो वो इस समय गिरफ्तार हैं, नए मुख्यमंत्री बने नहीं हैं और ऐसे में तस्वीर फिलहाल धुंध में नजर आ रही है। लेकिन ये देखिए गणित है, विधानसभा की सीटें, माफ कीजिएगा, 82 सदस्यों की विधानसभा है झारखंड का, सियासी गणित आपको बता रहे हैं, जहां जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29, बीजेपी के पास 25, कांग्रेस के पास 16 और एजेएसयू के पास में 3 जो विधायक हैं उसका समर्थन या उनकी संख्या है। साथ ही झारखंड विकास मोर्चा इसके पास 2 और अन्य के पास 6 रिक्त स्थान 1 है। Zing